छोटी सी लापरवाही और हो जाता है इंजन सीट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपनी जो आरुषाई बाइक है उसके बारे में। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इस बाइक का इंजन सीट हो जाता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनकी गाड़ी हीट करने लग जाती है और हीटिंग लाइट मीटर में शो हो जाती है। उसके बाद कस्टमर क्या करते हैं, अपनी तरफ से ही इसके अंदर कूलेंट ऐड कर लेते हैं जिससे कि हीटिंग लाइट बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी लापरवाही की वजह से आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका जो कूलेंट है, कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो गया। और ये जो बाइक है ये मेरे फ्रेंड की है, इन्होंने ये गलती छोटी सी कर दी, बट टाइम रहते इन्होंने मुझे बता दिया। इन्होंने इनकी गाड़ी थी ये मैंट्रीगढ़ से है, इनकी बाइक की हीटिंग लाइट जली थी, तो इन्होंने उनका फ़ोन आया कि विकास भाई मेरी बाइक के अंदर लाइट जल रही है, काफ़ी दिन होगा। तो मैंने सोचा हो सकता है कूलेंट इसका कम हो गया होगा, तो मैंने इसमें कूलेंट डाल दिया। तो मैंने उनको यही बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपने कूलेंट डाल लिया, अब आपको आप इस बाइक को सीधा मेरे पास ले आओ या हमारे आगे में या हमारे, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो भैया यहाँ पर बाइक लेके आए हैं और मैंने जैसे ही बाइक लेके आए थे सबसे पहले इसका मोबिल ऑयल चेक करवाया और कूलेंट चेक करवाया। कूलेंट इसमें लगभग खत्म हो गया था, लाइट दोबारा आ गई थी। फिर मैंने इसको चेक करवाया तो कूलेंट है वो मोबिल के अंदर मिक्स हो चुका था। और इसका मिक्स हो गया होने के कारण अगर ये बाइक और ज़्यादा भैया यूज करते, इन्होंने लगभग 10 से 15 किलोमीटर की बाइक को चलाया इसी वजह से इंजन सेफ है। अगर ये बाइक 100-150 किलोमीटर की बाइक को लेके करते तो गारंटी लेता हूँ कि पूरा का पूरा इंजन सीज हो जाता। और ये छोटी सी सील की वजह से, ये सील कटने की वजह से ये वाटर पंप आता है इसमें ये सील गलती हो जाती है। और ये सील कटने की वजह से ये सारा का सारा जो कूलेंट है ये इंजन ऑयल में मिक्स हो गया और इस वजह से ये पूरा इंजन सील होते होते बचा है। तो मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, जितने भी यामा के यूज़ करते हैं, आरुषाई बाइक यूज़ करते हैं, MT50 बाइक यूज़ करते हैं, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बाइक के अंदर कोई भी मिस्टेक आती है, FI बाइक में सेंसर लगे हुए हैं, अगर मान लो गाड़ी मिस कर दी है, कूलेंट कम हो रहा है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है लाइट का, हेड लाइट चल जाती है, बट आप उसको अपने हिसाब से कूलेंट ऐड ना करें। आप मेल बाइक किसी भी कॉन्टैक्ट करें, हो तो सकता है कि आपकी बाइक का भी जो वाटर पंप का सील कट गया हो। अगर ये छोटी सी लापरवाही अगर आप कर देंगे तो आपका पूरा इंजन सील हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सील क्योंकि आपको उसका लगाने का प्रोसेस हैंडल करने के लिए आपको बताएंगे क्या हुआ है। अभी इसमें आपको बता सकता हूँ, बैरिंग है, ये छोटा सा बैरिंग है, आप वीडियो कैमरा पास नहीं कर पा, ये बैरिंग है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस बैरिंग की वजह से ये जो सील है ये देखिए, ये सील भी पूरी डैमेज हो गई है और डैमेज की वजह से ही ये सील ख़राब होने की वजह से जो कूलेंट है ये पूरा ओपन नहीं होता है। अभी मेरे मैकेनिक ने इसके अंदर न्यू सील डाल दी है और बैरिंग भी इन्होंने न्यू डाल दी है, ठीक है। अभी ये सील अपना प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए मेरे मैकेनिक बोल रहे हैं कि इसको दोबारा सेट करने के बाद इसमें पूरा दोबारा कूलेंट डलेगा, उसके साथ इसमें दोबारा दूसरा मोबिल डालेंगे। तो मोबिल डालने के बाद इस गाड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट इसको फिर से हम स्टार्ट रखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कूलेंट लेवल ओके है या कूलेंट नहीं ओके है। अगर कूलेंट लीकेज करेगा तो कुछ शायद हो सकता है, तो देखते हैं इस वीडियो में आप बने रहिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है और आगे बढ़ते। तो वो भाई बताएंगे आप मेरे को कि इस गाड़ी के अंदर जो एक कूलेंट, मेरे को थोड़ा प्रोसेस समझिए कि इस गाड़ी के अंदर कैसे एक कूलेंट इंजन के अंदर मिला, बताइए मेरे को एक बार वो भाई यहाँ से मेरे को प्रोसेस समझिए कैसे इंजन के अंदर कैसे मिला। ये क्या होता है कि ये जो हिस्सा होता है ना, हाँ, ये ऐसे लगा होता है, इस पर ये हिस्सा ऐसे लगा होता है और ये जो आप ये जो देख रहे हो ना फैन, हाँ, ये फैन ये ऐसे लगा होता है, ठीक है, सील के अंदर जाता है और ये अंदर जाके ये यहाँ पे ऐसे सेटअप बैठता है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग चेन ये घूमती है, पूरी केम घूमती है, तो ये फैन भी इसके साथ ही घूमता है। अच्छा,
तो तुम्हें स्क्रीन ओके होती है हाँ, तो ये कूलेंट यहाँ से ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर ऐसे लगा होता है, तो ये जो पाइप है ये कूलेंट किसके अंदर, फिर ये कूलेंट अंदर अंदर घूमता है। अच्छा, ये कूलेंट अंदर घूमता है ना, तो फिर ये हेड ये अंदर यहाँ से घूम के फिर ये जाता है इंजन में। ठीक है, इंजन में चला गया तो ऐसे ही घूम के फिर वापस ये यहाँ से ऐसे प्रोसेस होता रहता है। अच्छा, और ये इसका जो लीकेज होने का कारण ये है कि जो इसका ये लीकेज होने का कारण ये था, जैसे ये ऑयल ऐसे प्रोसेस करता है तो ये पूरा है जो सिलेंडर है ये ठंडा रहता है उससे। ठीक है, क्योंकि गर्म जो इंजन के अंदर जो ठंडा कूलेंट होता है गर्म बाहर निकलता रहता है, और ठंडा फिर इसके अंदर यहाँ से फैन से होके ठंडा हो जाता है, पूरा पूरा रोटेशन चलता रहता है। तो ये जो सील ये जो फैन इसके अंदर सील से अंदर जा रहा है ना, तो ये जो बैरिंग देख रहे हो ना, ये बैरिंग खराब होने से इसमें चाल हो गई। अच्छा, ये बैरिंग खराब होने से ये जो बैरिंग देख रहे हो ये इसका बैरिंग था ये खराब हो गया। अच्छा, तो ये बैरिंग में प्ले ज्यादा होने से ये जो फैन था ना ये एक साइड से मतलब थोड़ा सा कट मार के इस सील को डैमेज कर दिया इस सील को। अच्छा, तो डैमेज करने से क्या है कि जो कूलेंट था यहाँ पे भराई रहता है पूरा हाँ, और वो अंदर जाने लग गया इंजन के अंदर। हाँ, ये सील से फैन के साथ से अंदर जाके और वो इंजन में चला गया। ओहो, तो ऊपर से जैसे भी कूलेंट डालते हैं तो वो इंजन में जाके थोड़ी बहुत देर में जैसे 5-10 किलोमीटर चलने के बाद वो कूलेंट इंजन में चला जाता है। तो जैसे कूलेंट अगर डलवा भी लिया आपने बाहर तो कुछ किलोमीटर तो रेड बत्ती नहीं आएगी, लेकिन फिर वो पूरा रेडिएटर खाली होते ही आपको फिर वो रेड बत्ती शो करने लग जाएगा। डाला है तो इसमें इंजन सीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। वो सीज इंजन उस वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि गाड़ी जब कूलेंट नहीं होगा ये एयर से तो ठंडी होगी नहीं, कूलेंट से ही गाड़ी ठंडी होती है हाँ। तो ये एयर तो लगेगी नहीं इसको, क्योंकि पूरी बॉडी लाइन बंद होती है, तो अंदर यहाँ पे अगर कूलेंट नहीं भरा रहेगा ना हाँ। तो ये एल्युमिनियम का है पूरा हाँ। इसकी रिंग है ना चिपक जाएंगी। अच्छा, रिंग के कारण। अच्छा, तब इंजन सीज होने के चांसेस। ठीक है, तो आप इसका प्रोसेस कीजिए। आपने ये रिंग वगैरह सब लगा दी, अब इसको आप सेट करेंगे। चलो, ब्रेक पड़ रहा है सही है, रात में बताती हूँ। दोस्तों, ये जो वाटर पंप है ये वाटर पंप लगा दिया है, और अभी इस गाड़ी के अंदर कूलेंट डाला जा रहा है। कूलेंट डालिए आप इसके अंदर, तो बाइक के अंदर ये वाटर पंप लगा दिया, और ये एक बोल्ट छोटा है हवा वगैरह बनाने के लिए बोल रहे भैया, तो बाद में टाइट करेंगे आगे। और कूलेंट डाल रहे भैया, मोबिल भी डाल रहे हैं, और मोबिल डालने के बाद कूलेंट डालने के बाद इस बाइक को कम से कम आधे घंटे के लिए स्टार्ट किया जाएगा। देख आ गया बहू सिंह, कूलेंट आ गया भाई, इधर कूलेंट आ गया भाई, इधर कूलेंट आ चुका है भैया, नट इसमें लगा देंगे।
ये नट क्यों छोड़ा जाता भाई लास्ट में कूलेंट डालने से पहले? इसमें हवा बन जाएगी नहीं? अच्छा हवा ना बने इस वजह से? हवा बन जाएगी तो कूलेंट फिर घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं रोटर, ठीक है, इसीलिए ये रखा जाता है। मोबाइल पूरा है मोबाइल का, इसमें मोबाइल भी डल चुका है। जतिन कूलेंट ओके भाई पूरा डाल दिया, ठीक है, मोबाइल कूलेंट दोनों काम हो गया। अभी बाइक को अभी कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है बाइक के अंदर, आप देख सकते हैं अभी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ये बाइक स्टार्ट हो गई है। अभी इस बाइक को स्टार्टिंग कितनी देर तक रखें हूँ भाई? कम से कम इसको आधा पौना घंटा स्टार्ट रखें, इसको चलाते हुए देखें। अच्छा इसको अभी आधे घंटे स्टार्ट रखोगे, उसके बाद इसको ट्राई करोगे इसकी, और ट्राई करने के बाद दोबारा इसका पूरा मोबिल वगैरह चेक होगा इसके अंदर कूलेंट मिक्स तो नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया तरीका है आपका, पूरी तसल्ली करनी है कस्टमर की भाई। तो दोस्तों अभी आधे घंटे तक ये बाइक स्टार्ट रहेगी, उसके बाद आधे घंटा वेट करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि कोई लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है, लाइट वगैरह अच्छा अभी तो कोई लाइट नहीं आ रही। आधे घंटे बाद इसको ट्राई भी करेंगे। रेडिएटर कैप लगा दी? रेडिएटर कैप अभी बस डालना होगा। तो दोस्त अपनी बाइक को बंद कर दिया है, आधे घंटे चला के अब इसका मोबिल लेवल चेक करेंगे एक बार, इसमें मोबिल में कूलेंट तो मिक्स नहीं हुआ है। नहीं इसके अंदर कोई कूलेंट मिक्स नहीं है, अगर कूलेंट होता तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता, कूलेंट नहीं है, कूलेंट नहीं है। इसका मतलब अपनी जो सील वगैरह जो हमने लगाई थी वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भूप सिंह भाई कूलेंट मिक्स नहीं है ना बाइक के अंदर? अगर कूलेंट होता तो ग्रीन हो जाता ना, ठीक है। अब इसके अंदर हम नया मोबिल डालेंगे और फिर इसको दोबारा पूरा चेक करेंगे, और यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है, मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है।